बारह बटन का कटा छेका छेका है वो चलो पछा रो ये पूरा आ रही है पूरी आ रही है मतलब यहां रखो सी हलाल फुल लोकरे जावे सब बात आते 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 जावे आते आते कोई रोज ऐसे ही आप पानी लेके जाते हैं? हम रोज ऐसे ही पानी निकालते हैं। ठीक है, तो पीने का नहाने का सारा पानी यही है। अच्छा, माल वगैरह पीने का, कपड़े धोने का, भोजन पचाने का। अभी ये इसको कपड़ा रख के पानी पियेंगे ताकि पानी थोड़ा साफ हो सके। ठीक है बेटा, ये भी कुंड है और ये देखें, यहाँ इस सुराख से पानी जो है इसके अंदर जमा होता है और ये देखें अभी इसमें पानी जमा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है तो इस बारिश का जो पानी था इस तरह से जमा हो के इस सुराख के ज़रिए इसके अंदर तक जमा हो गया है। अभी देखें इसके अंदर पानी है। ये घर है, इनका कमरा है बेसिकली जो घास का बना हुआ है और इसके अंदर ये अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर काफी देर से ये रह रहे हैं। ये घर के अंदर इन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है तो जो गर्मी का टाइम होता है वो यहाँ पर ये गुजारते हैं। अभी घर में इन्होंने पीने का पानी स्टोर किया हुआ है। ये बेसिकली पानी कहीं और से लेके आते हैं फिर उसको घर में स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर और फिर वक्तन फक्तन जो है उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। इन घर की जो बाउंड्री है ये इस तरह बनाई गई है।
अंदर का है पहले दे दिया पिए ले मैं भी नहीं देता पति है ही को ना बा हूं इन नियाणो बीमार उठ बैठी है ही मुजा गना त सीणा है मुजे नियाणी इत मुजो गोठ हु आए करुंजरी इत नियाणी वट बैठिया आया पिए बेसो इमनेटो बेस इस्तेमाल के लिए पानी ज्यादा इकट्ठा होता है वो इस्तेमाल करते हैं मजेदार है को तो डर जरूरी आ रहा है दोस्तों मैं इस टाइम मौजूद हूँ थार डेज़र्ट में और ये मेरे सामने नमक की झील है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नमक निकाला जाता है भाईजान ये कितने दिनों बाद दोबारा एक बार नमक निकाल लें तो दोबारा फिर नमक आ जाता है 15 दिन के बाद बन जाता है 15 दिन के बाद दोबारा आप निकाल सकते हैं जी हाँ फिर इस तरह इसको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है पैदा होता है और ये नमक फिर खाने के लिए इस्तेमाल होता है अभी ये ट्रक आ चुका है इसके ऊपर लोडिंग करेंगे ये फिर जानवरों को डालते हैं आप या बेचते हैं क्या करते हैं इसका ये खाता है आटा बना के अच्छा ठीक है ये बाजरा है इसका आटा बना के इसकी रोटी बनाई जाती है ये इसके जो ये दाने हैं ये वाले दाने इसके ये वाले दाने अलग कर लिए जाएंगे और फिर इस दाने का जो है ना ये आटा बनाया जाएगा हेलो बेटा जी कैसे हो आप ठीक है ठीक हो या इसमें पानी है या दिखाएं यहाँ के जो लोग हैं इस तरह की मखसूस बोतल में पानी लेके जाते हैं ये इसको कपड़े से कवर किया होता है ताकि पानी ज़्यादा देर के लिए ठंडा रह सके ठीक है क्या नाम है आपका अनवर अनवर क्या कर रहे हो बेटा जानवर चरा रहे हो जी अच्छा तो कितनी उम्र है आपकी आपकी 12 साल पढ़ते नहीं हैं आप पढ़ते ये है जी अब्दुल रज़ाक इसको लगी अभी प्यास और अभी यहाँ पर पानी नहीं है तो ये अपनी प्यास कैसे ख़त्म करेगा देखते हैं जब से हराम है पानी नहीं मिलता तो ऐसे दूध से प्यास बुझाते हैं फिर जी जी अच्छा ज़बरदस्त यहाँ रोड के ऊपर बच्चे
कुछ सेल आउट कर रहे हैं, तो साथ में खाना भी खा रहे हैं। ये क्या बेच रहे हैं? चिबड़। ये कितने का दे रहे हैं छापर? 100 रुपया। 100 रुपये का छापर दे दें? खर्ची दे का। खर्ची दे दें? क्या लेना है? खर्ची दे। तो ये जी, ये कितने का है छापर? 50 रुपये का। ये क्या चीज़? अंकल जी, ये मछली लेके आए? हाँ, मछली लेके आए। ये कौन सी मछली है? सिंगारा है। सिंगारा है? सिंगारा मछली है, रोहू मछली है। कैसे अंकल जी? दुआए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मछली छछली पकड़ी यहाँ पर? मछली पकड़ी है 5 किलो। कब से यहाँ आबाद हैं? इधर 90 साल हो गए मेरे को। इतना था बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरी 90 साल उम्र है। आपकी 90 साल उम्र है? माशाल्लाह। लेकिन आपकी सेहत बिल्कुल फिट है। बीमार हुआ 2 साल, घर ऑपरेशन कराया है। ये इधर इसमें 7 झील है। अच्छा, मीठी डेली 7 है, ऐसे तो 90 झील है। अच्छा, ये पानी सारा चला जाएगा तो इंडिया के पास चला जाएगा। अच्छा, पानी और ये बच्चे अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये जो रेत का टीला है, इसके उस पार इनका स्कूल है। तो ये सारा जो रेत का टीला है, इसको क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे। धनी जी वडाई इसी दुनिया में जब नजारा साईं जी सगो सम प्यारा धरती ते उसरार जोड़ा साईं सब जिनसार वन टिड़े धनी उपाया किसमी किसमी तन बनाया गुरफुल मेवा केंगुलदार जोड़ा साईं सब जिनसार जबल नदियों हैं चश्मा राव समुद्र तला हैं डंडू यहाँ स्कूल से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कहाँ से आ रहे हैं? हम स्कूल से। स्कूल से आ रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आपका बेटा? गुलाम रशीद। अच्छा, आप मुसलमान हैं? जी हां। और आप? हिंदू। अच्छा, तो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? जी हां। कैसी चल रही स्टडी? ज़बरदस्त। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल की उसकी ये वर्दी है? जी हां, यूनिफॉर्म। अच्छा, ये यूनिफॉर्म है आपकी? जितने भी सिंध में स्कूल हैं सरकारी, उनकी यही वजह है। अब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। कितने तक स्कूल है इधर? इधर सरकारी सरकारी गवर्नमेंट सरकारी कितने तक स्कूल है? एक ही है।
एक कौन सी क्लास तक? 10th तक पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो नाम बताएंगे अपना? जी हाँ, अनिल कुमार। आप? प्रकाश कुमार। गुलाम रसूल। मुकेश कुमार। मोहम्मद शरीफ। चमन दास। जयराम कुमार। वजीर अली कची। युवराज कची। वजीर अली। यहाँ सहरा में मकामी लोगों ने सब्ज़ी काश्त की हुई है, जिससे ये अपना रोज़गार चलाते हैं। यहाँ से सब्ज़ी उतार कर शहर लेके जाते हैं, फिर उनको मंडी में बेचकर अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, और यहाँ से सब्ज़ी उतार कर अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये ग्वार है जी। और टिंडा। तो यहाँ पर चावल तैयार हो चुका है और अब मशीन के ज़रिए इसको अलग किया जा रहा तैयार है पकने के लिए। चलने लगा दे। अभी ये हमारी सब्जी जो है इधर पकने के लिए लगाई जा रही है। आप ये तैयार हो गई है? होने में तकरीबन आधा घंटा पड़ा हुआ है। इसको सिर्फ नमक लगाया।
यही मसला। इस तरह से कवर कर देंगे। आपकी सर्विस हो गया ना, ये पंजाब वाली और जब तक इसका गार्ड इसे लेने के लिए नहीं आएगा तो तब तक के लिए इसे इधर ये सेट कर देंगे ताकि ये गर्म रहे। इसको करेंगे हम डिस्प्ले।